नमस्कार, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक फार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं भारत के सेंटर में नागपुर महाराष्ट्र में, और हम आपसे जो है मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही महान हस्ती, समाज सेवी, नागपुर के ही प्रफुल्ल गुर्दे जी से। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना एक परिचय दे दीजिए, और जो हम यहाँ पर अभी करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार रूप से बता दीजिए प्लीज़। मेरा नाम प्रफुल्ल गुर्दे है, और नागपुर के जो पिग फार्मर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज वे से पिग फार्मिंग कर रहे कई सालों से, उनका पुश्तैनी धंधा रहा है, मगर कॉरपोरेशन के कुछ नियमों के वजह से उनको सिटी एरियाज में, रेजिडेंशियल एरिया में उनको पिग फार्मिंग करने से कॉरपोरेशन मनाई कर रही है। इसलिए हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, विक्की बडेल जी उसके अध्यक्ष है, एक वराह पालन सहकारी संस्था रजिस्टर्ड की, और जिसका एक इंटीग्रेटेड पिग फार्म रहे, इंटीग्रेटेड ब्रीडिंग सेंटर रहे, रेयरिंग सेंटर रहे, वो हमने प्लान किया है। इसी के चलते ये सारे लोगों को ऑर्गेनाइज करके अभी प्रथम चरण में 15 लोगों की एक संस्था हमने निर्माण। आपने अभी आपके नागपुर शहर में कितने लोग फार्मिंग के लिए नियुक्त किए? मोटा मोटा टोटल कितने? टोटल तो 350 से ऊपर फार्मर्स है जो छोटा मोटा बैकयार्ड फार्मिंग कर रहे हैं। बैकयार्ड फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने खुले में पशु छोड़ के जानवर की पालन पोषण करते हैं जी। मगर इसको खुले में छोड़ते हुए उसको बंदिस्त में ऑर्गेनाइज वे से करने के लिए जो 350 तो इकट्ठा नहीं ला सकते, तो इनिशियली हमने 15 लोगों को सिलेक्ट करके 15 लोगों का यहाँ फार्म इस्टेब्लिश करना, ये हमारा प्रथम मकसद है। ठीक है। किस रूप से होगा? क्या 15 के 15 फार्म ब्रीडिंग फार्म होने वाले हैं, या कुछ वो फैटनिंग फार्म होंगे? नहीं, हमारी जो सोच है जी, तो कल भी आपसे बात करते हुए वही सोच हमारी डेवलप हो रही थी कि संस्था का ब्रीडिंग फार्म हो। ठीक है। एक सेंट्रलाइज ब्रीडिंग फार्म हो, सिर्फ वो ब्रीडिंग फार्म ब्रीडिंग का ही काम करे, सिर्फ वहाँ पर जो है मादाएं बच्चे देंगी, बच्चे देंगे, और उसका रेयरिंग के लिए बाकी 15 यूनिट जो रहेंगे, जो इंडिविजुअल लोगों के रहेंगे, वहाँ पर सिर्फ रेयरिंग हो। उसका कैपेसिटी क्या होता? 100 का कैपेसिटी का हम प्लान कर रहे हैं हर एक फैटनिंग फार्म। फैटनिंग फार्म, और वो इनिशियली कितने बन रहे हैं? 15 का हम प्लान कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एक मेजर ब्रीडिंग फार्म जिसमें ऑलमोस्ट 150 या 170 या 180 के लमसम मादाएं होंगी इनिशियली, और उसके बाद में वो धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और उसके जो प्रोडक्शन होगा, जो उन मादाओं से जो भी प्रोडक्शन होगा, वो इस कमेटी का जो गठन हुआ है, क्या नाम बताया आपने? वराह, नागपुर शहर वराह पालन सहकारी संस्था। इस कमेटी का जो गठन हुआ है, उस कमेटी के जो है इनिशियली 15 फैटनिंग फार्म खोल रहे हैं, वो उन 15 फार्म में उन बच्चों को वितरण करेंगे, यही यही प्लान है। उसका मैनेजमेंट सेंट्रलाइज होगा, जिसका वैक्सीनेशन से लेके फीडिंग फॉर्मुलेशन वो सभी सेंट्रलाइज होगा, और जो फीड है ये संस्था करेगी। अच्छा, टोटल इसका फीड फॉर्मुलेशन से लेके तो फीड प्रोडक्शन वो संस्था का काम है, क्योंकि अगर 15 लोग अलग अलग करेंगे तो उनका कॉस्टिंग भी बैठेगा, ज्यादा बैठेगा, और फॉर्मुलेशन में भी गड़बड़ाई हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम नागपुर में हैं अभी, तो ये मध्य प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ है, तो देखो जो हमारे पिगरी में जो सबसे मेजर जो चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट मक्का जो है बहुत हाई परसेंटेज में डाला जाता है फीड में, और सेकंड नंबर पर जो प्रोटीन का सोर्स है, मुख्य सोर्स, हम सोयाबीन मानते हैं, तो इन दोनों की अवेलेबिलिटी यहाँ पर कैसी हो जाएगी? नहीं, अभी ये नागपुर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ ये इलाका है, नागपुर ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, यहाँ से रायपुर की दूरी कितनी है? रायपुर 250 किलोमीटर है सिर्फ। हैदराबाद 450 किलोमीटर, और भोपाल 500 किलोमीटर, और बॉम्बे 1000 किलोमीटर है, जो आपकी राजधानी है। तो यहाँ पर मक्का, मध्य प्रदेश में मक्का बहुत बगल में ही है, विदर्भ में हम जिस इलाके से हैं वहाँ पर सोयाबीन काफी मात्रा में है। ठीक है। चावल है यहाँ, जो टुकड़ा चावल जो जी जी जी, या राइसस है, उसका जो केक है राइसस केक, जी जी, वो भी यहाँ पर एम्पल है। तो कुल मिलाकर जो अनाज हमें पिगरी के लिए चाहिए वो अगल बगल में उपलब्ध है, हो सकता है, तो जिसके चलते इसका जो कॉस्टिंग में है बहुत बड़ी उसका प्रोक्योरमेंट करके उसको इसका फीडिंग बनाए।
अच्छा, जैसे कि अभी आपको मैंने जैसे विदित करवाया कि एक समाज सेवी है, इनका मैं कल से यहाँ पर हूँ, मुझे लगभग 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। मैंने जो इनका विज़न देखा है, ये निस्वार्थ इन लोगों के लिए एक ऐसा जो है इन्होंने प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जो अब से पहले हमारे देखने में नहीं आया है। हम जितने भी आज तक जो हमारा तजुर्बा है उसके तहत लोग अपना फार्म करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, बट इनका व्यक्तित्व कुछ अलग तरीके से लगा कि ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई है। अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि इनका जो इनको इन लोगों को रिसेंटली इन्होंने कभी ब्रीडिंग नहीं करवाया है, इन्होंने खाली फैटनिंग की, यही है इसे अभी इनके जो फार्म चालू है वो फैटनिंग फार्म है, मतलब कि बच्चे देहातों से बच्चे खरीदना, उसको तैयार करना और बेचना। ब्रीडिंग में इसके पहले इनका कोई तजुर्बा नहीं है। ठीक है, अब आपके इस संस्थान को लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हमारे जो पशु संवर्धन मंत्री है सुनील केदार साहब जी, उनका पूरा सपोर्ट है। ठीक है, और शासन की जो भी योजनाएं पिग फार्म सेटअप करने के लिए, एक दो तीन दिन पहले हमारी पिग ब्रीडिंग पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की। इसके पहले प्री पिग ब्रीडिंग पॉलिसी नहीं थी आपके महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में जी। तो हमने केदार साहब को बताया कि पिक का ब्रीडिंग पॉलिसी होना चाहिए, 21 तारीख को नहीं अपना एक तारीख को स्टेट गवर्नमेंट का ब्रीडिंग पॉलिसी आया है। वो पॉलिसी के तहत हमको स्टेट गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, विशेष तौर से एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर सुनील केदार साहब, वो नागपुर से ही हैं और उनका पूरा आशीर्वाद है, सपोर्ट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको, अच्छा जो रिसेंटली जो अभी 15 फैटनिंग फार्म और एक ब्रीडिंग फार्म, इसका जो इसका पर जो इस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आने वाला है या फिर जो इसकी इसमें ब्रीडिंग स्टॉक आएगा, जो फीडिंग स्टॉक होगा, उसका आप किस प्रकार से मैनेज करेंगे थोड़ा आप? नहीं, अभी इन लोगों से भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए तो बैंक से फाइनेंस होगा, स्टेट गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की जो सब्सिडी है वो 50% की सब्सिडी है, वो सब्सिडी कंस्ट्रक्शन पे और एनिमल्स पे मिलती है, वो हम लेने की वो लेंगे और बाकी बैंक फाइनेंस से करेंगे। आप मुझे बताएं कि आपने संस्था को रजिस्टर कैसे करवाया, जैसा कि आप कल बता रहे थे। रजिस्ट्रेशन एक तो पिगरी की पहली संस्था है आपके महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में, इस देश में कहां पर है ऐसी इस तरीके की कुछ होगी तो मुझे पता नहीं, तो महाराष्ट्र में पिगरी कोऑपरेटिव ये फर्स्ट सोसाइटी है। इसको रजिस्ट्रेशन में भी काफ़ी दिक्कतें आई हमको, इसको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में करना या एनिमल हस्बेंड्री में करना, तो आखिरकार वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में इसको हमने रजिस्टर्ड कराया। ठीक, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आया, बैंक अकाउंट खुला, उसकी पूरी कार्यकारिणी का गठन हुआ है। अभी वो प्रपोजल आप जितना जल्दी हमें उसका मार्गदर्शन करेंगे और उसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे उतनी जल्दी हम शासन की तरफ। अभी मेरा यही सवाल है, इस सारे मामले में आप स्वास्तिक से क्या अपेक्षा करते हैं? आप देखिए, इसका टेक्निकल गाइडेंस, आपका तजुर्बा जो है वो काफ़ी लंबा। आप कितने टाइम से देख रहे हैं? मैं तो 2 साल से आपको देख रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से आपका मेरा परिचय हुआ और हमने आपको रिक्वेस्ट किया कि आप नागपुर आइए, आपने हमारे रिक्वेस्ट मान्य की, आपके आभारी हैं, और हमारे सारे कम्युनिटी को आप योग्य मार्गदर्शन करें। आपका जो तजुर्बा है, अनुभव है, वो मार्केटिंग में है, आपका ब्रीडिंग में है, उसके प्रोजेक्ट अपना फार्म मैनेजमेंट में है, ये सारे रूप से हम आपकी सहायता हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे भाई जो है वो अनऑर्गेनाइज है, उनका एजुकेशन का थोड़ा कमी है, उनको टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता है, उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या रहेगा, उसका मतलब ये ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे थे, अभी तक आप उसको वैज्ञानिक पद्धति से करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपकी वेटनरी यूनिवर्सिटी भी है तो वो आपको उनकी सहायता होगी, हम मदद करने के लिए तैयार, मगर उनके लिए भी ये सब्जेक्ट नया है। नहीं, वो ठीक है, बट फिर भी एक वेटनरी, हाँ, तो मतलब कि पशु विभाग इसकी पूरी सहायता कर सहायता करने के लिए तैयार है। सो बहुत बहुत आपको बधाई हो, और मालिक ने चाहा तो हमारी संस्थान की तरफ से एज पॉसिबल जो भी सहायता बन पड़ेगी वो हम जरूर करेंगे। धन्यवाद। संस्था के जो अध्यक्ष रहने वाले हैं वो विक्की बढ़ेल जी रहने वाले हैं। विक्की बाबू नमस्कार। नमस्ते। आप जो प्रफुल्ल जी ने पूरा डिस्क्राइब करके बताया कि इनका विज़न क्या है, और आप उस विज़न को पूरा करने के लिए आप सभी जो है संस्था का मार्गदर्शन करेंगे, तो प्लीज़ आप अपने विचारों में बताइए कि आपका एक्चुअल में प्लान क्या है और ये कितने टाइम से चल रहा है और किस
जो है विकट स्थिति पड़ने पर आपने ये फैसला लिया? सबसे पहले से तो ऐसा है कि व्यापार है पिगरी के बारे में, और पिगरी के बारे में जो सोच है, और हम जहाँ पर मैं रहते हैं नागपुर विदर्भवासी की, विदर्भ में जो ये जानवर है सुअर जानवर जहाँ पर मैं रह रहा है पल रहा है, एक बैकवर्ड तरीके से बोलेंगे कि उसके तरफ में अगर सुअर की अगर बात करें तो सभी की मेंटेलिटी, सबके शहर के सोच बिगड़ जाती है कि नहीं इनको पालने वाले भी वैसे, इनका सेवन करने वाले भी वैसे, और इनका साथ में सपोर्ट में खड़े रहना बोले तो एक अलग तरीके से सोच के हिसाब से लेकर जाया करता है। अब ये है इनका पुश्तैनी धंधा, एक सफाई कामगार समाज है, स्वच्छगार समाज है, वर्षों से देश की सफाई कर रहा है, नागपुर शहर की भी सफाई कर रहा है, नागपुर शहर को एक अच्छे विजन में यहाँ तक लेके आने वाला ये समाज है। ये समाज में पुश्तैनी से सफाई काम के साथ साथ सुअर पालन का भी काम करता है, लेकिन सुअर पालन का जो काम और करने का जो तरीका है वो तरीका थोड़ा अलग है। अब जैसे कि हिसाब से एक मोची सड़क में अपना मोची का काम करता है, और एक मोची वो है जो बाटा के बड़े शोरूम में लेकर के भी अपना काम करता है, निभाता है, तो हमारे को वही वे से इनको निकाल करके नाले नली नदी से जो निकाल करके इनको एक अच्छे मॉडर्न में अच्छे पैटर्न में इनको इनके बिजनेस को आगे बढ़ाने का हमने वे सोचा। तो शुरुआत तो ऐसी हुई कि इनका हमसे कांटेक्ट कोऑर्डिनेट नहीं था, ये सब अपने अपने व्यापार में व्यस्त थे। अचानक से एक दिन मुसीबत इनके व्यापार में आ गई। वो क्या मुसीबत? वो मुसीबत ऐसे आ गई, नागपुर महानगर पालिका हमारा नगर निगम है शहर का, वहाँ पर मैं 25 लाख लोकसंख्या है हमारे नागपुर शहर की, इन सबका ऑब्जर्वर नगर निगम है, तो इस नगर निगम में ये भी व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो अनेक जो जनता है पब्लिक है इनको सुअरों से दिक्कतें होने लगी, इनको तकलीफें होने लगी, इनके घर पे घुस जाना, रास्ते में घूमना, ट्रैफिक को परेशानी करना, तो उनसे कई शिकायतें नगर निगम में जमा हुई, जिसके चलते उन्होंने एक कानून बनाया कि ये सुअर गैरकानूनी तरीके से नागपुर शहर में है पालन व्यवसाय कर रहे हैं, और ये पालने वाले भी गलत है और ये जानवर भी गलत है, जिसके प्रति उन्होंने अपनी मानसिकता ऐसी दर्शाई कि इसको पकड़ो और इसको ख़त्म कर दियो, इसको ना ही इनके परिवार के बारे में सोचा, ना ही इनके बारे में सोचा कि ये एक व्यापार है, ये व्यवसाय है, एक उद्योग के नज़रिए से इसको देखा भी नहीं। जानवर को जैसी सोच लोगों ने रखी, वैसे विभाग ने, सरकार ने सुद्धा, महानगर पालिका ने सोच रखी, और ऐसी सोच के चलते इनका पूरा पुश्तैनी धंधा धरा का धरा रह गया, पूरा माल इनका उठा करके महानगर पालिका के द्वारा विदेश दूसरे देशों में, तमिलनाडु जैसे देशों में ले जा करके बेचा गया, स्टेटों में। हाँ, तो ऐसे परिस्थिति में जब इनका वाली कोई नहीं था इनके लिए लड़ने वाला, इनको दर रोज आने आगे का भविष्य, व्यापार व्यवसाय का उद्योगिक खतरे में था, और इनका घर दार भी आगे का भविष्य, इनका बेटी है, परिवार है, सब इसी के ऊपर में निर्भर है, और आने वाली कई पीढ़ियाँ भी इसी के ऊपर में निर्भर रह सकती है। तो ऐसे के मद्देनज़र कोई जब बीच में नहीं आ रहा था, तो हमको प्रभु भैया गुरुदेव जी इनका मार्गदर्शन मिला, ये मदद के लिए सभी के समाज के लिए जैसे दौड़ के आए थे उसी प्रकार से हमारे समाज के लिए भी दौड़ कर गया है, और कानून का पाठ कानूनन तरीके से अधिकारियों को, प्रशासन और शासन को समझाया कि जब आपने पकड़े और ख़त्म करने की जब बात इस कायदे में लिखी है, तो आपने इसको दूसरे शहर में, दूसरे प्रदेश में सप्लाई कैसे किया, तो वहाँ पे जवाब देना प्रशासन को ऊपर कट गए होंगे, मुश्किल हो गया, तब ये सारी कार्रवाई को रोक दिए गए। अब ये जो मॉडर्न है बैकवर्ड तरीके का, इसको अच्छे इसमें व्यापार करने का शासन प्रशासन सभी को समन्वय बना करके, और इनका हित और इनका पुश्तैनी व्यापार को आगे उद्योग जनक में किस तरीके से अच्छा मोड ऑफ वे में लेकर के जा सके, वो पैटर्न को पूरा भाव की गाइडलाइन में बनाया गया। सबसे पहले एक संस्था रजिस्टर्ड की गई जो पूरे महाराष्ट्र में पहली संस्था बनी, नागपुर शहर वराह पालन सहकारी संस्था, सभी व्यापार करने वालियों को एकत्रित बुला करके सबको मेंबरशिप दी गई, और उनके विजन जो है उनको समझाया गया कि ये अभी जो आप व्यापार कर रहे हैं ये भविष्य में इसको अपने देश के अगर छोड़ दिए तो बाहर देश में और विदेश तक का कि इसकी बहुत डिमांड है, और इस व्यापार में आप भविष्य में अच्छे जगत तक का अपने परिवार के साथ में और भी अपने पूरे समाज का उद्धार कर सकते हैं, ऐसा विजन इस माध्यम से समझाया गया, और एकत्रित आकर के सबको एक सोसाइटी रजिस्टर करके और सरकारी जो सोई सुविधा है उसका लाभ कैसे लिया जाए, उसके अंदर कैसे मोड में बैठाया जाए, और सबको एकत्रित आकर के फ्यूचर प्लानिंग शहर के भीतर में रह करके, यानी हमारे वजह से किसी को तकलीफ भी ना हो और हमारा व्यापार भी चले और हमारा भविष्य घरदार भी चले, उसके तरीके में भी हम वे में हैं। इसमें हमको कई दिक्कतों का सामना करना, आज 3 साल हो गए, 3 साल होते होते अभी हमारा थोड़ा सा रुक गया कि सब चीज़ें तो ओके है फाइनेंशियली भी, सरकारी सोई सुविधा भी, लेकिन इसको अगर अच्छे पैमाने में करना है तो एक टेक्निकल सपोर्ट, मॉडर्न कैसा होना चाहिए, इसकी चित्रकारी कैसा होना चाहिए, इसका मार्केट कैसा होना चाहिए, इसके लिए हम आपके नज़दीक आए हैं, तो आप भी हमारी बहुत छोटी सी एक मदद करके इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद करेंगे।
देखो, जो आपने इतनी बात जैसा कि बताई, कल हमारी लगभग 3-4 घंटे हमारी मीटिंग रही, तो आपका जो विज़न है वो एक एक समस्या का समाधान है, और समस्या भी जो पूरी कम्युनिटी पर आन पड़ी थी उसका आप समाधान करने जा रहे हैं। प्रफुल्ल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जिस जगह में अभी हम ये प्रोजेक्ट खोलने जा रहे हैं, इस जगह का साइज क्या है, मीन्स कितना लैंड? 11.25 एकड़ जगह है, और ये नागपुर सिटी से कितना किलोमीटर? सिटी से 50 किलोमीटर दूर। सिटी से 50 किलोमीटर है, ठीक है। अभी इनिशियली यहाँ पर 15 होंगे, क्या आगे बढ़ेंगे या फिर नहीं? अभी इसका मास्टर प्लान हम आपसे ही चाहते हैं कि इसका मास्टर प्लान में कितने यूनिट्स यहाँ बैठेंगे। एक तो ब्रीडिंग यूनिट तो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट रहेंगे, और बचे वाले जगह पर यहाँ पे 15 हो गए 20 हो गए जितने भी हो सकते हैं, उसका मास्टर प्लान बना के जैसे जैसे लोग यहाँ तैयार होंगे आएंगे, इसकी सक्सेस स्टोरी रहेगी, वैसे वैसे लोगों को हम अकोमोडेट करेंगे। ठीक है। जैसा कि इनका जो है विज़न एकदम क्लियर है कि इन्होंने करना क्या है। अभी रिसेंटली इनिशियली ये 11.25 एकड़ है, और नागपुर सिटी से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर दूर है, और ये हम जंगल के इलाके में है, सही है? हाँ। बिल्कुल जंगल के इलाके में है। और रही आपके सवाल का जवाब हमारी तरफ से, हमारा संस्थान आपको टेक्निकल सपोर्ट करेगा, आपको ब्रीडिंग में जो भी आपको एज पॉसिबल सहायता चाहिए रहेगी वो हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको ब्रीडिंग स्टॉक उपलब्ध करवाएंगे, और उसको वैज्ञानिक पद्धति से कैसे कम समय में हम ज़्यादा वजन गेन कर सकते हैं और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कैसा ले सकते हैं, ये अगर 2-4 चीज़ें अगर आपको सपोर्ट मिल जाती है, तो आपको तजुर्बा तो आपको सालों का है, आपको पीढ़ियों का तजुर्बा है, आप पिग में जो है पले बड़े हैं, तो आप उसमें हमारी तरफ से जो भी सहायता बन पड़ेगी वो हम करेंगे, और निसंदेह जो है गुरुदेव जी का जो सहायता रहेगा आपके संस्थान को वो बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि जो यहाँ का जो कानूनी पक्ष, राजनीतिक पक्ष जो ये देख रहे हैं आपके बिहाव से, वो एक बहुत ही ये आप पर जो है वो इनका मैं बोलना नहीं चाहूँगा, असंभव है, असंभव था। हाँ, संभव है। सो ये एक ऐसी समस्या जिसका बड़ा ही एक शानदार समाधान भी है। अब आप सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करके उनको होटल वेस्टेज से जो तरीके से जो अभी तक का पाला जा रहा है उनको बिना वैक्यू के अनुभव तजुर्बा नहीं है, और उनको साइंटिफिकली तरीके से विजन में ले जा करके, अभी अभी हमारे को नागपुर यूनिवर्सिटी द्वारा भी सपोर्ट मिला गया भैया के माध्यम से, नहीं तो नागपुर वेटनरिटी में पिगरी अगर सुअर के बारे में ना ही कोई जानकारी थी, ना ही किसी का प्राध्यापक था, कोई समझाने वाला, कोई किसी भी तरीके का, तो उन्होंने हाल ही में अच्छा प्रशिक्षण हमको दिया है, आने वाले समय में भी वो अच्छा कोऑपरेट करने के लिए यूनिवर्सिटी भी तैयार है, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे सब चीज़ें नॉलेज गेन होते जा रहा है, लेकिन आगे बड़े अच्छे में करना है जैसे बाकी प्रदेश करते हैं। सो जैसा कि आपने देखा, ये नागपुर शहर का एक जो है वो एक समस्या और उसका समाधान भी आपके सामने हम लेकर आए हैं, और उम्मीद है ये कुछ आपको नया तजुर्बा जो है वो शानदार लगा होगा, और इसी प्रकार से कुछ हम आपके लिए नए नए तजुर्बे, नए नए वीडियोस आपके सामने हम समक्ष पेश करते रहेंगे। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।